आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत ओडिशा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण चंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंदन ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर ओडिशा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपा बंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव 1 अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। ओडिशा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक ओडिशा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।